हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुमित और आप देख रहे हो सुमित गोस व्लॉगर्स। तो कैसे आप लोग गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और लेट्स गो। तो गाइस, अभी तुम्हारा भाई चचा रहा है नहाने, तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम कहाँ जाएंगे। तो फाइनली गाइस, तुम्हारा भाई नहा धो के एकदम तैयार हो चुका है। तो गाइस, मैं आपको आज का व्लॉग बता देता हूँ। गाइस, आज हम जाएंगे गांव देवप्रयाग साइड। तुम्हारे भाई को एक शादी अटेंड करनी है और तुम्हारे भाई के छोटे दो पेपर कल परसों, लेकिन शादी में जाना जरूरी है तो हम जाएंगे। वो मेरे चाची बेटी की शादी है तो हम अभी जाएंगे। तो तुम्हारा भाई फुल एकदम दर्शन में तैयार हो चुका है, तो अब हम चलते हैं अंदर, नाश्ता नुस्ता करते हैं। तो गाइस, दो रोटी और आलू की सब्जी आ चुकी है, गाड़ी नीचे आ चुकी है। तुम्हारे भाई ने जूते जाते सब पहन चुके तो बाहर चलते। मैम, मेरा फोन ले लियो। चलो, ये हमारा लगेज है, ये हमारा सामान सुमान है। भैया अभी चश्मा साफ कर रहा हूँ, मम्मी है और तुम्हारा भाई पहने जूते। तो गाइस, अब हम निकल चुके हैं घर से। क्यों नहीं गर्म होते इधर? रजिस्ट्रेशन मंदिर में, हाँ मंदिर में तो बैठे हैं वो गाड़ियों पर आकर रजिस्ट्रेशन हो गया। देखा कब तक लगी, अभी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। कोविड नहीं है चेक, सिर्फ गाड़ी दे। तो गाइस, हम पहुंच चुके नरेंद्र नगर चुके तेरी झील।
झूठ नहीं बोलना उसमें, जन तो बोला। भाई अभी कहीं रुका हुआ है, अभी हमको 200 किलोमीटर और जाना है गाइस। भाई गाड़ी में बैठ बैठ के हालत खराब हो चुकी है और पीछे आपको गाड़ी दिख रही होगी, तो मैं आपको थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको सीधा वहीं पे जहाँ पे हम जा रहे हैं। तुम्हारे भाई की आवाज़ भी बैठ चुकी है गाइस। तो फाइनली गए, तुम्हारा भाई पहुंच चुका है अंजनी सेन देवप्रयाग से भी जा सकते हो, टी से भी जा सकते हैं। तो फाइनली गए, जब हम पहुंच चुके हैं तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ गांव के रास्ते कैसे होते हैं। तो पहुंच गया अंजनी सेन। आप ले जा रहे हैं? हाँ, ये तो डब्बा ले जाओ। कौन सा तुम्हारा ले जाओ? ये मेरे चाचो की गाड़ी है जिनकी बेटी की शादी है, और ये जो सीढ़ी देख रहे हो ना, इसके ऊपर ही जाना है हमको। किसी लॉन्ग उसमें जाते हो ना, लॉन्ग राइड में कहीं भी, कार में जाओ बाइक में जाओ, थकान लगती है। चाहे बैठे बैठे जा रहे कुछ बोल नहीं रहे, तब भी भाई थकान तो लगती है यार, हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तो मेरा भाई बुला रहा है बैग लेने के लिए। तो आगे आगे चल रहे मेरे चाचा और पीछे पीछे। और यहाँ से हम सब ऊपर जा रहे हैं गाइस। जो गाँव के रास्ते होते हैं वैसे होते हैं पास होने। तो हम पहुंच गए फाइनली घर। हम पहुंच चुके हैं घर। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक अगले